आज आपको एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग बता रहे हैं जो आपसे चिढ़ने वाले का नाश करेगा। नाश से मतलब उसको सद्बुद्धि देगा या वो आपको परेशान करना छोड़ देगा। घर का ही कोई सदस्य जिसको आप खटकते हैं, आपके जॉइंट फैमिली है, लेकिन वो व्यक्ति आपके घर को बिखेरने में लगा है, उस व्यक्ति पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी सास जिनको बहुएं परेशान कर रही हैं, वो भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। कुल मिला के आप किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन वो मनुष्य आपका बुरा करे जा रहा है, तो ये प्रयोग आपके बहुत काम का है। क्योंकि किसी को भी कोई हक नहीं है कि आपकी ज़िंदगी का सुख चैन छीने। आप शांति प्रिय प्राणी हैं, सद्भाव के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दुष्ट मनुष्य आपके जीवन में जहर घोल देते हैं, आपके दिल के चैन और मन के सुकून को छीन लेते हैं। एक पल को भी आपका मन शांत नहीं रहता है। तो ये उपाय आपके बहुत काम का है, लेकिन आश्वस्त जरूर हो जाएं कि वो व्यक्ति आपका बुरा कर रहा है या कर रही है कि नहीं। बेवजह किसी पर शक ना करें या बेवजह किसी की प्रति बदले की भावना ना रखें। हम हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने का आपको संदेश देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समाज कंटक लोग होते हैं जिनको किसी का चैन से रहना गवारा नहीं होता। तो यदि आपकी भी स्थिति ऐसी है कि किसी ने आपके सुकून को छीन लिया है, किसी ने आपकी प्रतिष्ठा पर भट्टा लगा दिया है, किसी ने आपको मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया है कि आप सोचने में लगे हो कि ये हो क्या रहा है, तो ये प्रयोग आपके बहुत काम का है। लेकिन इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और करनी पड़ेंगी, जैसा कि मैं बताती हूँ। छोटे मोटे उपाय के साथ में परमात्मा के नाम का स्मरण या कुछ अनुष्ठान करना जरूरी होता है, ऐसे में आपके कार्य सिद्ध होते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि प्रयोग करने की बात किसी को बतानी नहीं है। अगर आपने बता दिया तो समझ लेना 200% आपका काम नहीं होगा, और अगर आप किसी को बताओगे नहीं, गोपनीय तरीके से चुपचाप करोगे, तो इसकी संभावना बन जाती है कि आपके काम बनेंगे। क्योंकि आपके जो काम है वो आपकी निष्ठा और श्रद्धा पर ही डिपेंड होते हैं। हम तो सिर्फ रास्ता बता रहे हैं आपको, आप कितनी शिद्दत से इसको करते हो ये आपके ऊपर है। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में, जो कि मेरा और आपका दोनों का चैनल है। क्योंकि आपने, आपके प्यार ने ही लाखों सब्सक्राइबर बढ़ा दिए हैं, और इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी ये बातें मुझे मोटिवेट करती हैं कि मैं एक से बढ़कर एक अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ। जो आप, जिन लोगों ने आपका जीना दूभर कर दिया है, वो लोग आपकी रास्ते से साइड में हो जाएं। हम उनका बुरा नहीं चाहते, साइड से मतलब है कि वो आपके बारे में बुरे ख्याल रखना छोड़ दें, बस इतना ही चाहते हैं। हम किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। आपको पूर्ण अहिंसात्मक तरीके से अपने शत्रु के बारे में सोचना चाहिए और उसी प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए। तो ये जो हम आपको उपाय बताते हैं, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। इसमें सिर्फ शत्रु को सद्बुद्धि आती है, और वो आपको सताने का ख्याल भी पूरे जीवन भर अपने दिमाग में कभी नहीं लेकर आता है। तो आइए अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। आपको एक कागज़ लेना है, कागज़ थोड़ा मोटा होना चाहिए, सफ़ेद रंग का चलेगा लेकिन मोटा होना चाहिए। उस पर इस तरह का काजल आता है मार्केट में, इस तरह का काजल ले लीजिए। आपको इस तरह का ही काजल लेना है, थोड़ा मोटा वाला। तो इससे आपको अपने शत्रु का नाम लिख लेना है, अगर गोत्र मालूम हो और उनकी माता का नाम मालूम हो तो वो भी लिखें साथ में। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने नाम लिख लिया, उसके बाद आपको रोली लेनी है। रोली ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें, नहीं तो नहीं भी लें। उससे 7 टीकी उसके नाम पर लगा दीजिए। टीकी ना लगाएं तो ऐसे भी चलेगा, ये चीज़ ऐसे भी वर्क करेगी। फिर आपको क्या करना है, उस कागज़ पर ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा कपड़े धोने वाला पाउडर है। तो आपने शत्रु का नाम लिख लिया, उसके बाद इस पाउडर से, पाउडर को उस पर बिखेर दीजिए। उस पर बिखेरने के बाद उसको हाथ से मलमल कर साफ़ कर दीजिए, और इमेजिनेशन में ये लाइए कि आप शत्रु का सफाया कर रहे हैं। सफाया इस तरह से कर रहे हैं कि वो जो आपसे शत्रुता भूल रहा है और आपको वो अपना दोस्त समझने लगा है, आपके लिए अच्छी राय रखने लगा है, इस तरह के भाव आपको लेकर आने हैं। तो इस तरह से ये जो वॉशिंग पाउडर है, आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, लेकिन वो होना सफ़ेद ही चाहिए। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। सस्ता महंगे से कोई मतलब नहीं है, काजल भी किसी भी तरह का ले सकते हैं।